हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। चलिए सबसे पहले अगर मैं एक प्रश्न आपसे पूछूं कि बच्चे पर भाषा विकास का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, वातावरण का, वंशानुक्रम का, उपर्युक्त दोनों का, इनमें से किसी का भी नहीं, तो हो सकता हो आप जल्दबाजी में आप वातावरण लगा दो। नहीं, देखिए दोनों का प्रभाव पड़ता है। वातावरण का तो प्रभाव पड़ेगा ही, ये तो आपने बखूबी पढ़ा ही है। भाषाई वातावरण में आकर बालक भाषा को सीखता है, लेकिन वंशानुक्रम का भी कभी कभी बालक कुछ ऐसे होते हैं जो जन्म लेते ही मान लीजिए गूंगे हैं, तो उसका तो असर रहेगा ही, वंश का तो असर रहेगा, वंशानुक्रम का तो असर रहेगा ही। तो कहने का मतलब ये है वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है और वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है, यानी इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो भाषा विकास वातावरण एवं वंशानुक्रम दोनों से प्रभावित होता है। ये प्रश्न आपके परीक्षा में आ भी चुका है, ध्यान दीजिएगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आज मैं लेने जा रहा हूँ, कैसे आप भाषा विकास के संदर्भ में, भाषा शिक्षण के संदर्भ में अपने भाव, अपने संदर्भों को कैसे मजबूत करेंगे और तमाम निर्णय कैसे ले पाएंगे। अगर टीचर सेंटर्ड है तो आप इसे अवॉइड करेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड को आप टिक करेंगे। टीचर सेंटर्ड होने का मतलब टीचर डांटता है सब गलत, टीचर जो है स्टैंड कर देता है रॉन्ग, टीचर डराता है धमकाता है गलत। ठीक है, तो टीचर सर्वोच्च हैं ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेड नहीं है। बाल केंद्रित, पहला पॉइंट आप देखिए यहां पे, चाइल्ड सेंटर्ड यानी बालक को आप समझेंगे, बालक जैसा चाहता है, जिस रूप में चाहता है, उसकी रुचि क्या है, इंटरेस्ट क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, बालक को समझना है आपको, उसके इंटरेस्ट, उसकी रुचियों को, उसके प्रयास को आपको समझना होगा, किस ओर प्रयास कर रहा है, किन चीज़ों में उसका इंटरेस्ट है। ये जब आप समझते हुए आप निर्णय लेंगे तो ये बात आपको समझनी है। ऐसे प्रश्न अक्सर करके परीक्षाओं में आते हैं जहां पे टीचर को हावी कर दिया जाता है, वो गलत है, राइट। ये बात आपको माइंड में बैठानी है। ऐसे एग्जांपल्स हम आगे लेंगे, कई एग्जांपल्स लेंगे, तो ये बात आप माइंड रखिएगा, वो रॉन्ग होगा। टीचर जाके शिकायत करता है पेरेंट से, सब गलत है, ये नहीं आप एक्सेप्ट कर सकते बिल्कुल। जहां पे टीचर जो है केवल और केवल आप कह सकते हैं कि कोऑपरेट कर रहा है, टीचर को आप ये बोल सकते हैं कि वो सिर्फ स्टूडेंट्स को समझ रहा है कैसे इसे आगे ले जाना है, क्या कर देना है, यानी वो एक निर्देशक है, एक प्रकार से ऐसा निर्देशक है जो सहायक है। उसे मालूम है कि हमें स्टूडेंट्स को, इस छात्र को केवल सहायता करना है, इसकी हेल्प करनी है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की बात किया जाए तो देखिए भारतीय संविधान में इसको बहुत महत्व दिया गया है, सर्वाधिक वहीं से ये कॉन्सेप्ट आपके सामने है। तो समावेशी शिक्षा की अगर बात किया जाए तो देखिए समावेशी शिक्षा में पहली बात तो पूर्ण रूप से गूंगा, पूर्ण रूप से बहरा और पूर्ण रूप से अंधा, ये तीनों समावेशी शिक्षा में नहीं आएंगे, इनके अलावा से सभी आएंगे, है ना। थोड़े बहुत अंधे हैं, थोड़ा बहुत गूंगा है, थोड़ा बहुत बहरा है, वो भी आ जाएगा समावेशी में, लंगड़ा है, लेम है कोई, वो भी आ जाएगा, विशिष्ट बालक है वो भी आ जाएगा, सामान्य बालक है, गरीब है, धनी है, सब आ जाएंगे समावेशी शिक्षा में, सभी आ जाएंगे। ओके गाइस, सब के सब एडेड हैं। कौन नहीं आएंगे? ये तीन नहीं आएंगे, है ना, पूर्ण रूप से गूंगा, पूर्ण रूप से बहरा और पूर्ण रूप से, हाँ, फुली ब्लाइंड, पूर्ण रूप से ब्लाइंड जो होगा वो नहीं आएंगे। पहली बात तो ये समझना है। अब समावेशी का मतलब यही होता है कि किसी को मतलब ये एहसास ना हो कि हम अलग हैं, वो अलग हैं, यानी एक साथ ही एक वन टाइप का ट्रीट कर रहे हैं, हाँ सब वन है, देर इज नो वन हु इज स्पेशल, कोई स्पेशल नहीं है,
वही समावेशी, सबको इंक्लूसिव आप एजुकेशन दे रहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षाओं में बनते हैं, आते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता की बात की जाए तो वैयक्तिक विभिन्नता आप जानते हैं सभी बच्चों में वैयक्तिक विभिन्नता होती है, हाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ये तो जुड़वा बालक है तो उसमें भी वैयक्तिक विभिन्नता रहेगी, अगर कोई जुड़वा बालक है तो उसमें भी वैयक्तिक विभिन्नता रहेगी। कोई बालक का लिखना 2 दिन में सीख सकता है, कोई 15 दिन में सीख सकता है, तो यही उसकी वैयक्तिक विभिन्नता है। और इस वैयक्तिक विभिन्नता का आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको लगता है कि कोई बालक जल्दी सीख ले रहा है, ठीक है, कोई देरी से सीख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को आप मोटिवेट करेंगे और किसी को आप डीमोटिवेट करेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। वो इसका उसका एक गुण है, वो भी इसका देरी से सीख रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है कि वो जल्दी, जो बालक देरी सीख रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकता है कि वो जल्दी सीख लें, हो सकता हो गीत संगीत म्यूज़िक वो बालक जल्दी सीख लें, और जो बालक जल्दी सीख ले रहा है 2 दिन में सीख ले रहा है, वो बालक उस विशेष चीज़ को, उस विशेष तथ्य को, उस म्यूज़िक को सॉन्ग को वो हो सकता हो देरी से सीखे। तो मतलब वैयक्तिक विभिन्नता होती है और इसको एक सामान्य अवधारणा के रूप में स्वीकार करना चाहिए अध्यापक को, ठीक है। ये नहीं कि आप उसको, कोई बालक देरी सीख रहा है तो आप ये बोलेंगे कि ये देखो इसने, राजू ने 2 घंटे में सीख लिया, तुम 4 घंटे में सीख रहे हो, इस तरह का बोलना, अध्यापक का बोलना ये है सही है गलत है तो गलत है, ऐसा अध्यापक नहीं बोलेगा। ये अगर कोई अध्यापक बोलता है कि राजू ने 2 दिन में सीख लिया और तुम यार नहीं सीख पा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे कुछ अध्यापक करते हैं, पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं, ये बच्चे को आप ह्यूमिलिएट कर रहे हो, नीचा दिखा रहे हो बच्चे को, आप उसके उसकी जो प्रगति है उस पर ये बाधक है, ये गलत चीज़ है, ऐसा आप नहीं कर सकते आप। तो वैयक्तिक विभिन्नता अगर है तो बच्चों का ये गुण होता है, उसकी पहचान आप करो कि कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें बच्चा बेहतर करने की स्थिति में है, बेहतर कर रहा है। तो हो सकता हो कि कोई बालक किसी फील्ड में बेहतर कर रहा है तो कोई दूसरा बालक किसी अन्य फील्ड में बेहतर कर सकता है। ये वैयक्तिक विभिन्नता को एक हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहिए अध्यापक को, न कि बच्चे को उसको ह्यूमिलिएट करना चाहिए, उसको नीचा दिखाना चाहिए, ऐसा करना गलत है। गतिविधि आधारित शिक्षा, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो, है ना, स्वयं करके सीखो। बच्चे को ऐसे ही इन्वायरमेंट दिया जाए, ऐसे माहौल दिया जाए कि बच्चा स्वयं तथ्यों को करे। जैसे बालक को आपने दे दिया पेन, उसके हाथ में है, लिख रहा है, कुछ इधर उधर ऐसे लिख रहा है। अब उसका बच्चे को ये बात तो समझ में आ रही है कि जो है ये जो है पेन है, इसका कुछ कार्य है, इसको इधर उधर करने से कुछ लिखा जा रहा है। और जैसे ही किसी कोई व्यक्ति साइड में लिख के दिखा रहा है, क लिख रहा है, समझ में आ रहा है कि इसका कुछ महत्व है, वो भी स्वयं भी करके सीखेगा, क कुछ उसी तरह का लिखना लिखने का प्रयास करेगा। तो यही गतिविधि आधारित शिक्षा, इन सबको आपको मोटिवेट, इन सब पे आपको जाना है, ये पॉइंट्स आपको पकड़ने हैं। सक्रियशील शिक्षा, वही बातें हैं, एक्टिव रखना चाहिए बालक को, आपकी कोशिश मैक्सिमम प्रयास यही होना चाहिए कि बालक जो है अपने कार्यों में एक्टिव रहे। एक्टिव का मतलब ये हो गया कि अगर कहा जाए प्राथमिक स्तर पे मौन शिक्षा, मौन रहना बेटर है या मौखिक रूप से किसी तथ्य को, किसी भाषा को सीख रहा है वो बेटर है, तो मौखिक रहेगा तो सक्रिय रहेगा, एक्टिव अधिक रहेगा। एक प्रश्न आ गया था कि भाषा शिक्षण परीक्षा में प्रश्न आया हुआ प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बालक प्राथमिक स्तर के बालक के लिए बेहतर है तो द्रुत मौन पाठन, सामान्य मौन पठन, मौखिक पठन। तो प्राथमिक स्तर के बालक के लिए किसमें गति, किसमें सक्रिय बालक रहेगा बताइए, तो अधिक सक्रिय किसमें रहेगा, मौखिक रूप से जब वो बोलेगा, मौखिक पठन में, तो मौखिक पठन आपका होगा। ये सक्रियशील शिक्षण का एक लक्षण, मौखिक पठन के रूप में, ठीक है। मौन पठन
यानी आप सक्रियता पे जाएंगे। आपने यहां से पॉइंट पकड़ा कि बच्चा कहां कहां आप जाएंगे, सक्रियता पे जाएंगे आप। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां बालक अधिक सक्रिय रहेगा, उस पॉइंट को आप प्रीफर करेंगे, ये बात आपको समझनी है। यहां से त्रुटि व प्रयास, देखो यार छोटा बालक है, ये अध्यापक को सामान्य रूप से अपने मन मस्तिष्क बैठा लेना चाहिए कि बालक त्रुटि करेगा और वो त्रुटि के साथ साथ प्रयास भी करता है। गलतियां करना बालक का एक लक्षण है भाई, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। बच्चे गलतियां करते हैं, अब प्रश्न आ जाते हैं परीक्षाओं में, प्राथमिक स्तर पर एक बालक गलती कर रहा है, त्रुटि कर रहा है, एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? उस बालक को डांटेंगे, घर के पेरेंट्स से शिकायत करेंगे, तीसरा आप देंगे इसे एक सामान्य रूप में लेंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा सामान्य रूप में लेंगे। अगर केवल इतना भी दिया गया एक सामान्य रूप में लेंगे, तो आपका उत्तर होगा इसे एक सामान्य रूप में आप लेंगे। गलतियां करता है, इसको एक सामान्य रूप में आप लेंगे। आप उस बालक को आगे खड़ा करके बैठाएंगे, फर्स्ट सीट पर बैठाएंगे, तो ये सब नहीं कि फर्स्ट सीट पर बैठा दिया, ठीक है, उससे बालक के अंदर और भी भय का माहौल बनेगा, वो गलत चीज है। तो कोई बालक प्राथमिक स्तर का कोई बालक गलती करता है, ऐसी स्थिति में आप गलतियां करना बालक का सामान्य गुण है, इसे सामान्य तौर पे लेंगे। इसका उत्तर यही हो जाएगा, जैसे मैंने आपको चार विकल्प दिया, सामान्य तौर पे लेंगे, बच्चे को डांटेंगे, माता पिता शिकायत करेंगे, बालक को पहली सीट पर बैठाएंगे, तो आप इसे सामान्य रूप से लेंगे। बच्चे त्रुटियां करते हैं, बच्चे गलतियां करते हैं, इसे सामान्य तौर पे आप लेंगे। यस, चलिए रुचि व प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि व प्रेरणा की बात किया जाए। आप जानते हैं कि बच्चे जिन तथ्यों में रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, इसीलिए रुचि के लिए आवश्यक होता है प्री नॉलेज, यानी पूर्व ज्ञान से जोड़कर जो चीजें पहले बच्चा सुना रहता है, जाना रहता है, जिन तथ्यों को जानते रहते हैं, तो प्री नॉलेज रुचि के लिए सबसे बेहतर होता है। प्री नॉलेज पूर्व ज्ञान से जोड़कर जब तथ्यों को बताया जाता है, तब उसका जो है वो ध्यान से सुनने लगता है बच्चा, तो रुचि उसकी बालक की बढ़ती है। और जब बालक अच्छा करता है और आप तालियों से या किसी प्रकार से उसको मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, तो बच्चा और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होता है और बेहतर करता है। तो इन तथ्यों को आप जरूर याद रखेंगे, उपचारात्मक और निदानात्मक। देखिए निदानात्मक और उपचारात्मक की बात किया जाए, जब बालक त्रुटि करते हैं या कोई गलती कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप उसको डायग्नोस करिए। आप पहली बात तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर की कोशिश ये होती है कि वो डायग्नोस करे। कभी कभी स्वयं डायग्नोस करता है डॉक्टर, मर्ज को पहचानने का प्रयास करता है, नहीं कर पा रहा है डायग्नोस तो वो आपको पैथोलॉजी भेज देता है, ये चेकअप करा के आओ। यानी आपने वहाँ पे क्या जाते हो, डायग्नोस्टिक सेंटर आप जाते हो, आप वहाँ पे उपचार, वहाँ पे आप समस्या का पता लगाते हो। निदानात्मक का अर्थ सीधा सीधा आप समझिएगा, क्या समस्या का पता लगाना, क्या प्रॉब्लम है, पहली बात ये। तो बालक अगर आपके समक्ष है तो पहले आप पता लगाइए कि प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, दैट इज डायग्नोस्टिक। अगर डायग्नोस्टिक से पूछ लिया जाए व्हाट इज द प्रॉब्लम, दिस इज व्हाट डायग्नोस्टिक, समस्या क्या है। अगर कोई बालक मान लीजिए आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और बीच में बालक बोल देता है कि अरे कलुआ ने मारा, संतुआ ने पीटा, मतलब वो आप देख रहे हैं दो दिन तीन दिन चार दिन तक लगातार बीच में बालक ऐसा बोल दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? पहली बात तो ऐसा नहीं है कि आप उस बालक को तुरंत पीटने लगेंगे, डांटने लगेंगे, मारने लगेंगे, नहीं। आप तीन दिन चार दिन तक कलुआ ने मारा, संतुआ ने पीटा, राधा ने पीटा मारा, तीन चार लगातार बच्चा दो तीन चार पांच दिन तक ऐसा बोल रहा है, यानी उस बालक को तो अपने पास आराम से बैठा कर समझिए और परिवेश में, उसके घर
माता पिता, ऐसा भी हो सकता है कि उसको अपने परिवेश से ये चीज़ मिली हो, ऐसा भी हो सकता है। और उन चीज़ों को दूर करने के लिए केवल बालक के साथ व्यवहार करने से नहीं होगा, बल्कि उसके परिवेश में उसके माता पिता से मिलकर उससे बात करना पड़ेगा कि इस तरह के सेंटेंसेस बालक बार बार प्रयोग कर रहा है, कहीं ना कहीं इसका पूर्व कोई आधार है, उसका पूर्व आधार है। अन्य बालक नहीं कर रहे, वो बालक क्यों कर रहा है, तो उसका कोई ना कोई पूर्व जो है एक रीज़न है। आपने पता लगाया, इसका मतलब आपने डायग्नोस किया, इसी को बोलते हैं निदानात्मक। और जब आपने माता पिता से भी बात किया, बच्चे को भी थोड़ा सा बच्चे से भी बात किया, और परिवेश एक दो लोगों से चार लोगों से कि बच्चा इस तरह का व्यवहार कर रहा है और ये गलत है, उसके उपचार के लिए आपने कोशिशें की, बालक के साथ भी, माता पिता के साथ भी, और परिवेश के साथ भी जो आपने कोशिशें की, प्रयास किया, जो निर्देश दिया, वो किस में आ जाएगा, इसका मतलब आपने उसका उपचार किया, ठीक है। और इसी को आप बोलेंगे, आपने प्रॉपर जो है जो सलाह दिया, जो सजेशन दिया, इस तरह से होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये आपने उसका एक प्रकार से उपचार कर दिया, और ये कहलाता है रिमेडियल। फाइनली आपको लगा कि अब ये होना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो भी समस्या है उस समस्या का पता लगाना ये निदानात्मक है, डायग्नोस्टिक है, और उस समस्या का उपचार करना, उस समस्या समाप्त हो जाए इसके लिए जो आपने प्रयास की, कोशिश की, और अंततः समस्या का उपचार किया, ये उपचार करने के लिए जो कोशिशें की, ये आपका किस में आ जाएगा, रिमेडियल में आ जाएगा। तो ये दोनों में बारीक सा अंतर है। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक डॉक्टर डायग्नोस करता है, यानी वो पहले पता लगाता है समस्या का, और उसके बाद वो क्या करता है, उपचार करता है, दवा वगैरह देकर उपचार करता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ, इन पे एग्जांपल्स भी लेंगे तो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे, इन पे हम आपको और भी एग्जांपल्स लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और भी आपके स्पष्ट होंगे। एग्जाम्पल देकर हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया, पहले कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। ओके गाइस, इसके बाद देखिए NCF 2005 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है, बल दिया गया है NCF 2005 में। यानी आप परंपरागत जो मूल्यांकन है, ट्रेडिशनल जो इवेल्युएशन है, ट्रेडिशनल इवेल्युएशन का मतलब क्या हो गया भैया, साल भर के अंत में वो बालक के ऊपर जो प्रेशर हो जाता है भैया, एक दो महीने तीन महीने गया तो एकदम फ्री इंजॉय, निकम्मों की तरह एंजॉय कर रहा है, पढ़ रहा है भैया, जो भी है पढ़ रहा है, लिख रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन अचानक अंतिम समय में क्या आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। तो साल भर के अंत में जो परीक्षा, एक बार परीक्षा हो रही थी, परंपरागत परीक्षा, जिसको आप परंपरागत आप मूल्यांकन बच्चे का जो किया जा रहा है, तो उसका जो है प्रोफेसर यशपाल साहब ने उसका विरोध किया। प्रोफेसर यशपाल ने NCF 2005 की जो विचारधारा है वो प्रोफेसर यशपाल ने दिया, तो प्रोफेसर यशपाल ने इसका विरोध किया, परंपरागत मूल्यांकन का विरोध किया। उन्होंने क्या कहा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए दोनों पे। सतत मूल्यांकन का मतलब भाई हर 15-15 दिन पे, हर एक महीने पे, सतत मूल्यांकन माने एक प्रॉपर कम गैपिंग पे जो मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसकी बात। और ये सतत मूल्यांकन होते 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 लास्ट में 6 महीने पे, साल भर पे आपने एक व्यापक मूल्यांकन कर लिया। तो ये दोनों, यानी दोनों होने चाहिए, दोनों का अपना महत्व है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इस पर, इन दोनों पर जोर दिया गया है, किसमें, NCF 2005 में प्रोफेसर यशपाल के द्वारा। तो ये आप ध्यान दीजिए, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की बात है। ट्रेडिशनल इवेल्युएशन को अवॉइड किया गया है, वो गलत है ट्रेडिशनल इवेल्युएशन, इन पे भी चर्चा आगे होगी। अभी तो हम आपको ये बता रहे हैं कैसे आप अवधारणा बनाएंगे, कैसे अपना भाव आप बनाएंगे, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आपके सामने 4 एग्जाम्पल दिया गया हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, मदद करेगी आपको कि आप निर्णय कैसे लें। और एक चीज बात और लास्ट में, भाषा व विचार एक दूसरे पर निर्भर हैं। देखिए जो वाइगोत्स्की महोदय ने कहा कि भाषा पहले आया विचार बाद में, और जो पियाजे महोदय ने कहा कि विचार पहले आया भाषा बाद में, ये बात एक्चुअल में निरर्थक है। दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू,
भाषा व विचार हैं। ठीक है, तो भाषा व विचार एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के बिना हम सही ढंग से भाव व्यक्त की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, एक कोशिश की गई आप सबके लिए कि आपको और भी बेटर से बेटर आपको दी जाए, और भाषा शिक्षण के संदर्भ में और भी हमारे वीडियोस प्रॉपर आपको मिलते रहेंगे। हम अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने मित्रों को भी बताएं, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और भी वीडियोस के लिए आप ये व्हाट्सएप नंबर हैं। ओके गाइस, तो आप संपर्क कर सकते हैं, और भी हम आपकी जो हेल्प हो सकेगी आपकी करेंगे। और मित्रों को, गरीबों को, तमाम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, गरीब हैं, ज़रूर इसको वीडियो को उन गरीब, अगर आप किसी को नहीं तो कम से कम गरीब बच्चों को ज़रूर दीजिएगा, अपने भाई बहनों को ज़रूर दीजिए, तो उन्हें भी बेनिफिट हो सके। चंद्रा इंस्टीट्यूट कोशिश करता है कि आप जानते हैं कि चंद्रा इंस्टीट्यूट ने तमाम स्टूडेंट्स को अपने प्रयासों से अच्छे नंबर लाए हैं, बेहतर नंबर लाने में समर्थ हुए हैं। ये एक कोशिश की जाती है, तो उन मित्रों को भी हेल्प करिएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।